महामाया से दिल्ली जाने वाली सड़क पर भीषण लंबा जाम, लोग हुए हलकान। नोएडा एक्सप्रेसवे और महामाया से दिल्ली जाने वाली सड़क पर भीषण लंबा जाम लगा हुआ है। लोग घंटों जाम में फंसे हुए हैं। भीषण गर्मी ने जाम में फंसे लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। 3 किलोमीटर लंबे भीषण जाम और गर्मी के बीच लोग हलकान हो रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि यह जाम नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रक और कार के खराब होने के कारण लगा है। ट्रैफिक पुलिस इन वाहनों को हटाकर जाम को खुलवाने में जुटी है। लॉकडाउन में लगातार खाली सड़कें देखने के आदि हो चुके नोएडा वासियों को बहुत दिनों बाद इस प्रकार के जाम का सामना करना पड़ा है। यह नजारा है फिल्म सिटी फ्लाईओवर के नीचे से होकर दिल्ली जाने वाली नोएडा एक्सप्रेसवे पर लगा है, जहां पर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा सकती है। यह कतारें 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है और लोग भीषण जाम और गर्मी के बीच हलकान हो रहे हैं। जाम की सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंच गई और खराब हुए ट्रक और कार को हटाया जा रहा है, जिससे कि जाम खोला जा सके। जून का महीना होने के कारण सूरज की तपिश काफी बढ़ी हुई है, जिसके कारण जाम में फंसे बच्चे बुजुर्गों को काफी परेशानी हो रही है और वे जाम के खुलने का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।